हेलो एवरीवन, आज हम इंटीग्रेशन के नेक्स्ट ट्रिक और करते हैं। नेक्स्ट ट्रिक में देखो किस टाइप की फॉर्मेट है। जो फॉर्म है हमारे पास वो है 1 अपॉन x अंडर रूट ax प्लस बी। ये हमने 12th क्लास में एक आधा क्वेश्चन क्या होगा वो भी विभिन्न या मिसलेनियस एक्सरसाइज में हम क्या करते हैं, इसको ax प्लस बी को मानते हैं, टी स्क्वायर लेट करते हैं, dx बराबर dt रहते हैं, जब इसमें फिल करते हैं तो पार्शियल फ्रैक्शन बन जाते हैं आंशिक भी। हम ऐसा ना करके हम इसको डायरेक्ट एक ही लाइन में आंसर लिखेंगे। देखो कैसे लिखते हैं, अगर इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आता है बाहर x x की पावर एक और अंदर अंडर रूट में लीनियर फॉर्मेट है तो ये डिपेंड करता है बी पर, बी हमारे पास पॉजिटिव है या बी हमारे पास नेगेटिव है। दोनों केस में जो आई का आंसर आता है, अगर हमारे पास बी पॉजिटिव है तो हमारे पास आंसर होता है 1 अपॉन अंडर रूट बी log ax प्लस बी माइनस अंडर रूट बी प्लस सी। इनकेस अगर बी नेगेटिव है जैसे इस क्वेश्चन के अंदर है तो हमारे पास आएगा 2 अपॉन अंडर रूट माइनस बी। अंडर रूट माइनस बी का मतलब यहां पॉजिटिव हो जाएगी बी की वैल्यू, लॉग अंडर रूट ए एक्स प्लस बी अपॉन माइनस बी अंडर रूट प्लस सी। अब देखो हम इसमें अप्लाई करते हैं बी पॉजिटिव या बी नेगेटिव, बार एक्स होना चाहिए। अब जैसे ये इस फॉर्मेट में अप्लाई हो रहा है ए की वैल्यू 1 है, डिपेंड नहीं करता, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, तो देखो क्या होगा, बी की वैल्यू 2 है मतलब पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 2 log x प्लस 2 माइनस अंडर रूट 2 x प्लस 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस सी। देखो 2-3 सेकंड में डायरेक्ट आप बिना लिखे आंसर को टिक कर सकते हो, ऐसी कोई भी बाउंडेशन नहीं है आपको, ठीक है। अब जैसे बी नेगेटिव है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 2 अपॉन b की वैल्यू -3 है तो आ जाएगा √3 log एज इट इज लिखेंगे x -3 अपॉन 3 प्लस सी। अब जैसे हमारे पास ये रहा 2x है तो कोई दिक्कत नहीं है, b पॉजिटिव है तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 1 अपॉन अंडर रूट बी मतलब 5 log 2x + 5 - √5 2x + 5 + √5 + c। देखो कितना इजी है, अगर टी स्क्वायर मान के चलेंगे तो हमें बार बार पार्शियल फ्रैक्शन करने पड़ेंगे, इससे क्वेश्चन क्या है बहुत लेंथी हो जाएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन आता है तो इसमें क्या करेंगे x-3 को मान लेंगे t, तो dx बराबर क्या आ जाएगा dt, तो क्या बनेगा 1 अपॉन t, x की जगह रखेंगे t+3 तो t+4 dt, तो इसी फॉर्मेट में हमारा चेंज हो गया। अब हमारे पास क्या आएगा, b की वैल्यू 4 है तो 1 अपॉन अंडर रूट 4 log t + 4 - √4 t + 4 + √4 + c। ये 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2, t की जगह आप रख देंगे x-3 तो क्या आ जाएगा log x-3 रखेंगे तो -3 + 4 x + 1 - 2 x + 1 + 2 + c। That's it. बहुत इजी है करना इसको। इसके बाद देखो क्या है, नेक्स्ट हम करते हैं इसमें भी सेम इसी प्रोसीजर से कर रहे हैं, आपने x-1 को t इमेजिन कर रहे हैं तो मैं इसका डायरेक्ट इसका आंसर लिख देता हूं। इसका आंसर है 1 अपॉन अंडर रूट 3 log √x + 2 - √3 - √x + 2 + √3। इस वे से आप इसका आंसर निकाल लेना, दिस इज फॉर डू इट योरसेल्फ। इतने सारे क्वेश्चन में से कुछ एक आप भी अप्लाई करोगे
तो इजिली हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो क्या है इसके अंदर, x माइनस वन को मैं t लिखता हूं तो dx इक्वल टू आएगा dt, तो क्या आएगा वन अपॉन t, x माइनस वन को t रखा तो x की जगह आएगा t प्लस वन, तो 2t प्लस टू तो आएगा 2t प्लस फाइव। इसमें भी b क्या है, b पॉजिटिव है तो हमारे पास क्या आ जाएगा वन अपॉन अंडर रूट फाइव लॉग 2t प्लस फाइव माइनस अंडर रूट फाइव 2t प्लस फाइव प्लस अंडर रूट फाइव प्लस c। हम t की जगह x माइनस वन रखेंगे तो 2x माइनस टू, माइनस टू प्लस फाइव थ्री आ जाएगा, वापिस यही आने लग जाता है अंडर रूट फाइव लॉग 2x प्लस थ्री माइनस अंडर रूट फाइव 2x प्लस थ्री प्लस अंडर रूट फाइव प्लस सी। आई होप ये ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी, इसी तरह और ट्रिक भी आगे करेंगे, हर चैप्टर में करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, और लास्ट में इन सभी को कलेक्टिव करके एक प्लेलिस्ट बना देंगे जहां आपको ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगी, सभी इंटीग्रेशन एक साथ रखे होंगे ट्रिक के साथ, तो आप वहां उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो।